अंदर बुलाएगा या यही वक्त बिताएगा? आइए ना। ओह, मैंने पूछा ही नहीं, यहाँ बैठना है सीधा अंदर चलना है? नो प्रॉब्लम, बैठ सकती हैं आप। चाय लेंगी? क्या चाय? मेरा मतलब चाय पिलाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? नहीं, ऐसे पूछ लिया। पहली बार है? नहीं, मतलब हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता चल जाता है आजकल लोगों की शक्ल देख के ही, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और नियत सबका पता चल जाता है। आपका नाम क्या है? क्यों, आधार कार्ड छपवाएगा? नहीं, ऐसे पूछा क्योंकि आप लोग अपना नाम ओरिजिनल नहीं रखते ना, आपका पलक नाम भी सही नहीं होगा, इसलिए पूछा। बड़ी जानकारी रखते हो। वो फिल्मों में देखा है मैंने, फर्स्ट टाइम है ना मेरा, थोड़ा नर्वस हूँ इसलिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्यों बे, इंटरव्यू ले रहा है तो मेरा? नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही ठीक है पूछ ठीक लिया। है, बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, कुछ किताबें, कुछ लोग और कुछ आंखें। लोगों की बात कर रही हो, तुम्हारी नहीं। अच्छा मेरी बात छोड़ो, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, किसी लड़की को हग या फिर किस किया है? इस मतलब की दुनिया में कोई किसी को बिना मतलब के गाली नहीं देता है। और आप हग और किस की बात कर रही हैं? कभी किसी लड़की को बिना कपड़ों के देखा है? क्या मतलब? पॉर्न वीडियो देखा या वो भी नहीं? हाँ, वो देखी एक दो बार मैंने। आप मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लगती हैं, हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हैं क्या? कतार में खड़े खरीदने वाले, शुक्र है मुस्कान नहीं बिकती। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? आदत है। ओ, मुझे भी बड़े हंसने की आदत है, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। और ये तो छोड़िए, कोई काम नहीं होता फिर भी हंसते रहते हैं हम। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे फोन आ रहा है। हेलो, ये घर तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है, मैंने एक दोस्त से अरेंज किया है। ठीक है, चलो आओ या मैं आऊं?
चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है चलो करो जो करना है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो ना, आते हो मजे करते हो पैसे देके चले जाते हो। कैसी बात कर रही हैं आप, अपनी मर्जी से आए हैं ना, तो फिर गलत कैसे हुआ? किसने कहा मैं अपने मर्जी से आई हूँ, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? बताइए ना। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। अजीब बात यह है कि इंसान अच्छा था, ये सुनने के लिए भी उसे मरना पड़ता है। मेरी बहन पहले से ही अपाहिज, लड़के वालों ने बहुत दहेज मांगा। पर दहेज देना तो गलत है ना, उससे अच्छा तो कुंवारी रहती। कुंवारी लड़की और गांव में, इससे अच्छा तो वो मरी जाए। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे, घिनौनी नजर थी उस पे उन सब की। कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे बहन की शादी नहीं हुई क्या? हुई ना, लेकिन उन लोगों को पैसों की चटक लग गई। अगर पैसे नहीं देंगे तो मेरी बहन को मार डालेंगे, और तो उसे बच्चा भी हुआ है, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। उसके बाद कुछ दिनों में मैंने एक कंपनी में जॉब किया और अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की। मेरी माँ तो पहले से इस धंधे में थी, मुझे नहीं पता था कि इस धंधे का उसूल है, कस्टमर को सबसे जवान कॉलगर्ल पसंद है। मैंने कहा था माँ को कि माँ तुम परेशान क्यों होती हो, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन मेरी माँ बोली तुम पागल हो गई हो क्या, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता है। मैंने बोला तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मैं कॉलगर्ल नहीं बनूंगी। मेरी माँ बोली तुम वही करोगी जो मैं करूंगी, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। उसी के अगले दिन एक कॉल आया, मेरी माँ ने मुझे नए कपड़े लाके दिए और एक होटल में लेके गई, मुझे छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा माँ तू कहाँ जा रही है? मेरी माँ बोली चुपचाप यहाँ बैठ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने भागने की कोशिश नहीं की, बहुत बार की, लेकिन मैं पकड़ी जाती थी। उसके बाद मैं मार भी खाने लगी। मुझे वीरान से कमरे में बंद किया जाता था, मतलब अभी भी वही रहती हूँ मैं। अब तो वो दरवाजा तभी खुलता है जब किसी कस्टमर का कॉल आता है। छोड़ो, मैं कहा अपनी कहानी सुनाने लगी, तुम करो जो करना है, मैं जाती हूँ वरना दूसरे कस्टमर का कॉल आएगा। कुछ नहीं करना मुझे, बहुत कुछ सहा है तुमने। हम हमेशा यही समझते थे कि लोग शौक के लिए करते हैं, लेकिन तुमने तो मजबूरी में किया है। आप जा सकती हैं। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है।
क्या मैं थोड़ी देर लेट सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेट जाइए आप। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब लग गई। ये लीजिए आपके पैसे। किस बात के पैसे? और ये तो बोले थे उससे ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। रख लीजिए आप, दोस्त समझ के रख लीजिए, कोई बात नहीं। पर क्या, रख लीजिए। ठीक है। अच्छा नींद भी गजब की चीज़ है ना, कहीं पे भी आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन तुम औरों से अलग हो। और हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, बोलना सीखो वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। हेलो। हाँ भाई। नहीं, वो चली गई। कुछ हुआ? ये ना, तुम कुछ हुआ बोलना बंद कर। कुछ होता है क्या कभी? और हाँ, तुम ना कुछ जल्दी से जल्दी करो, मैं थक चुकी हूँ लोगों को कहानियां सुनाते सुनाते। सुनना भाई। क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए तुझे? एक लड़की चाहिए मुझे। मजा करता था, ले लड़की चाहिए? नहीं भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग रोज मुझे चिढ़ाते हो, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता। क्या बात है, हमारा झंडू शेर बनने चला है। लिख नंबर, लिख 9824। ओके, इससे बात कर ले। पैसे पैसे वैसे का देख लेना तू अपने हिसाब से, और ज़्यादा मांगेगी तो दे मत देना, कम करवाना अपने हिसाब से। जानता तू इसको? हाँ, मिला हूँ मैं उससे, देख लेना, अच्छी है वो। हाँ, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ पलक, बात कर रही हूँ। आपका नंबर मुझे रोहित ने दिया था, क्या हम मिल सकते हैं? कितने बजे? लगभग 7 बजे। 7? ठीक है, पहुँच जाऊँगी। तुम्हें क्या हुआ? और कब तक करना है ये सब? यार तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, फिर भी तुम पिछले 6 महीने से लगी हुई हो। अब तो मुझे लग रहा है तुम्हें भी इस काम में मजा आने लगा है। तुम्हारे इसी बिजनेस की वजह से ना मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, पता है 6 महीने से मैं ढंग से सो ही नहीं हूँ। और हाँ, अगर इतनी ही फिक्र है ना तुम्हें मेरी, तो जाओ कोई ढंग का जॉब ढूंढो और ले चलो मुझे यहाँ से। यार बेबी, मैं देख रहा हूँ ना यार, जॉब मैं कर रहा हूँ ना, कुछ मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि हम दोनों फिर यहाँ से कहीं दूर चले। देख लो, वरना जिंदगी भर मुझे यही करना पड़ेगा।
मैं करता हूँ कुछ, तुम फिक्र मत करो। मुन्ना नहीं इसी काम के वजह से मिले हैं, और हाँ कस्टमर्स भी तुम ही लाते हो।